ये बताइए कि रियलिटी इस वक्त ये है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में जा रहा है, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टेट को जिस तरफ भी लेके जाना है, अब सबने मिलके ही लेके जाना है। और पहले तो ये बात सिर्फ सियासी पंडित्स कर रहे थे, कमेंटेटर्स कर रहे थे, अब तो ये बात खुद वजीर दिफा ने भी कह दी है कि हम हाइब्रिड मॉडल में आ चुके हैं। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि कोएलिशन गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना होगा, और यकीनन 5 साल का अरसा भी बाकी है। आपको जो एतराजात सामने आ रहे हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से, क्या उनमें इतनी ग्रेविटी, इतनी डेप्थ लगती है कि कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो? बिकॉज अपेरेंटली जो रिपोर्ट हो रहा है उसमें तो लगता है कि ग्रीवियंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और स्पेशली उनने जो जुडिशल कमीशन से अलहदगी इख्तियार की, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो हमेशा कहते रहे हैं कि बीबी शहीद ने एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमेशा जोर दे के कही है, वो ये रही है कि कभी भी पार्लियामेंट से बाहर होके आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। अगर उसी असूल को यहाँ अप्लाई करें तो जुडिशल कमीशन से बाहर होके ये एक्सपेक्ट करना कि रूरल सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट हो जाते, ये थोड़ी सी गलत फहमी नहीं है? पहली गुजारिश तो यह है कि उन्हें कोई इस पे गलत फहमी या इबहम नहीं है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जिससे कुछ लोग मुत्तफिक होंगे, कुछ नहीं होंगे। लाजम नहीं है कि सारे लोग उनकी बातों से मुत्तफिक हों। और उन्होंने कहा क्या है, वो अगर जुडिशल कमीशन से अलग हुए हैं तो वहाँ पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। ये तो नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी उसे बायकॉट करके निकल गई है। और उन्होंने अपने ना होने की वजह भी बयान कर दी है कि क्यों उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। जो गिला शिकवा है वो भी पहली दफा नहीं हुआ। एक तो यह है कि हर गवर्नमेंट, अगर वो इत्तेहाद यानी कोलिशन की गवर्नमेंट हो, तो उनके आपस में कुछ मायदे होते हैं हुकूमत बनाते वक्त, और अगर उसमें कोई मीन मेक होती है, वो कमी होती है, वो पूरे नहीं होते, तो उसके ऊपर गिले शिकवे होते हैं। हुकूमत चल रही है तो अपनी जमात के अंदर गिले शिकवे होते हैं, वो तो दूसरी जमातें होती हैं। सो हमारे साथ भी कोई 25 पॉइंट का मुआहदा है जो आपके इल्म में होगा, वो बकायदा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो सबको हमने दिया भी था। और उन 25 पॉइंट्स पे से जो बातें अमल दरामद नहीं हुई उन पे चेयरमैन साहब ने इससे पहले भी कई दफा बयान दिया, बात की है। ना सिर्फ बात की है बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनकी मुलाकातें शायद एक से ज्यादा हुई, और फिर हमारे जो वफूद थे वो वफाकी हुकूमत के लेवल पे भी मिलते रहे, और पंजाब की हुकूमत के साथ भी उन्हें उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, जिसमें कई दफा गवर्नर साहब थे, कई दफा वो नहीं थे, हमारी टीम थे शामिल थी। सो ये जो गिले शिकवे हैं ये तो इसलिए है कि वो जो 25 पॉइंट्स थे उन पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हम पहले भी उनको आइडेंटिफाई करते रहे, अब भी करते रहे। लेकिन अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं, डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? और गिले शिकवे अगर नहीं, हों, बिल्कुल नहीं। आपस में हों, मीडिया में आ जाएं तो बात और होती है। वैसे आपस में बिहाइंड द सीन्स हो रहे हों वो और होते हैं, क्योंकि ये मीडिया पे आए हैं इसलिए आईब्रोज तो रेज होंगी। थी आईब्रोज तो वैसे ही रेज हो जाती है, हमारे यहाँ तो वैसे ही रिवाज है ना, छोटी सी खबर चाहिए होती है कोई। लेकिन सवाल यह है कि हमने पहले अर्ज किया ना कि ये को हम पहली दफा नहीं कह रहे, चेयरमैन साहब ने पहली दफा नहीं कहा। लेकिन कार्य साहब, चीजें काफी 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 इंटेंस नौयत की हैं। देखिए कैनाल्स का मसला, कि हम तो लेकिन मैं 26वीं उसी तरमीम पे, में मैं उसी पे मसरूफ आने थे लगा और हूँ। इन्होंने कैनाल्स का लेकिन मसला आप कर दिया। नहीं, देखे देखे ये है कि मैं उस पर आने लगा था, लेकिन पहले जो आपका सवाल था कि जो हमारा मुआहदा था उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, गिला शिकवा, तो ये गिला पहली दफा नहीं है, और चेयरमैन साहब ने पहली दफा नहीं किया। हमारे मुतअद्दद रहनुमा इस पे शिकवे शिकायतें हुकूमत से मिलके भी कर चुके हैं, मीडिया के जरिए भी कर चुके हैं, और ये कोई मजाके वाली बात नहीं है। और इसको इस एंगल में कि इससे कोई हमारे ताल्लुक में तलखी आके खुदा न खास्ता हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, कोई पोलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, ऐसी कैफियत हम ऐसी तो बात नहीं कर रहे। आप इसको इस रंग में लीजिए कि हमारी याद दहानी से हुकूमत अपनी जो कमी है उसको दूर करेगी, और ये गलतफहमी दूर हो जाएगी तो चीजें बेहतर चलेंगी, इसको इस रंग में लीजिए। और बट होता ये है कि कोई फाइनल कंक्लूजन ड्रॉज करने ज़रूरी नहीं होते कि कोई कोएलिशन गवर्नमेंट गिर जाएगी, कोई अल्टीमेट एंड की तरफ तो एकदम से नहीं जाया जाता। ये छोटी कि आपने छोटी मुझसे सवाल किया ना, मैं उसके जवाब में कह रहा हूँ, कई एंकर जो ये बात कर रहे हैं कि जी कोई हतमी तो नहीं हो जाएगा, कोई ताल्लुकात में मुश्किल हतमी दरार तो नहीं आ जाएगी, फला तो नहीं हो जाएगा, कि भाई हम तो गिला कर रहे हैं,
हम उनको याद करा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, और ये कि 8 महीने हुए हैं तो ये भी थोड़ा टाइम है, ऐसा नहीं है। उसमें 8 महीने के अंदर जो काम होने थे वो भी होने हैं, जो डे टू डे होने हैं वो भी साथ चलने हैं, साथ साथ रहने वाले हैं हमारे ना। अच्छा, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन, मेरा भी ये पॉइंट था, अभी आपसे बात नहीं की मैंने इस बारे में, लेकिन मेरे जहन में भी यही बात थी कि अगर जुडिशल कमीशन में खुद नहीं है तो अपना रिप्रेजेंटेटिव तो भेज दिया है, तो फिर उसको मेंशन करने की भी क्या ज़रूरत थी। दूसरा ये कि 8 महीने की बात इसलिए है कि ऑलरेडी कॉन्टीन्यूटी की तरफ काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, तकरीबन 26th अमेंडमेंट से लेके जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो स्टेबिलिटी को, कॉन्टीन्यूटी को नज़र में रख के ही लिए जा रहे हैं। तो स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं हम बैठे हुए, अब PIA की प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई है और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पीपल्स पार्टी का एक खास स्टांस है, तो उस पर कुछ आप बताएंगे कि आपके साथ कंसल्टेशन हुई है, आप लोग ऑन बोर्ड हैं? देखिए, पहली बात, पीपल्स पार्टी का ख्याल यह है कि ये जो कौमी इदारे हैं PIA मिसाल के तौर पर, इसको आउटराइट सेल करने की बजाय कोशिश की जाए कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके इसमें कुछ शेयर, वो 49-51 रख के, तो ये शेयर प्राइवेटाइज कर दिए जाए और प्राइवेट ओनरशिप नहीं प्राइवेट मैनेजमेंट दे दी जाए उनको, और अगर वो पार्टी इसको चलाती है, इसके शेयर को बढ़ाती है, यकीनन वो मुनाफा भी कमाए, वो सब कुछ करे, लेकिन उनका अगर शेयर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के शेयर में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये एक सोच पीपल्स पार्टी की हमेशा है, उसके लिए हमने कोशिश की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसको चलाने की कोशिश की जाए। दूसरा ये कि बिलावल साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में बड़ा उसको स्पेयरहेड किया, उसको बड़े मुश्किल मरहले में उन्होंने दिन रात एक किया ताकि ये कामयाब हो और स्टेबिलिटी का तासर पक्का हो। ये उनकी इस बात की दलील है कि वो निजाम को चला के आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो डेडलॉक क्रिएट नहीं कर रहे। अभी भी उन्होंने एक बातें की हैं, मुनासिब होता ना हुकूमत का भी कि अगर उन्होंने कुछ करना है, PSDP का कोई इशू है तो वो पहले शेयर कर लेते। और पानी की डिवीजन, ये हमारे सूबों के दरमियान आपस में बड़ा कंटेंशियस इशू है, क्रिटिकल है, इसको जब भी, इसको क्रिटिकल इशू है, इसको जब भी कभी किसी हुकूमत ने छेड़ा उसके ऊपर जरूर आवाजें उठी हैं, तो एक इत्तेहादी हुकूमत को चाहिए कि अपने इत्तेहादियों को इसके ऊपर पहले इत्मीनान में लेके ऐसे मंसूबे अनाउंस करे, अगर माजी में नहीं किया तो आइंदा कर ले, तो ये उसको फ्लैग करना बड़ा जरूरी है। राइट, VPN के मसले पे उन्होंने आवाज़ उठाई है, हम सब जानते हैं कि स्लोली एंड स्टेडली तकरीबन अगर सिर्फ एक्स की बात करें तो वो तो बंद ही चल रहा है मुस्तकिल, तो एक तो हमारे लिए तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि किसी पॉलिटिशियन ने, किसी पार्टी ने तो इस पे आवाज़ बुलंद की है कि इतना ज़्यादा भी गैग ऑर्डर्स के साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश ना की जाए, लेकिन आपको बगैर बताए कर दिया ये गवर्नमेंट ने जी? गवर्नमेंट कोई, हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है ना जी, तो गवर्नमेंट को हमें इत्मीनान से लेना चाहिए वो एग्जैक्टली कंसल्टेशन की बात हो रही है ना, कंसल्ट तो करना चाहिए था। मैं भी कह रहा हूं कि हमें गवर्नमेंट को बेहतर है कि वो हमें कंसल्टेशन में ले, इस बात तो आप हमसे भी करेंगे ना, खाली गवर्नमेंट से नहीं करेंगे। गवर्नमेंट अगर हम इत्मीनान में होंगे तो हम बेहतर तरीकों से। अच्छा तारे साहब, आपको नहीं लगता ये कनंड्रम है कि बेशक टेक्निकली पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, बट आम आदमी के लिए तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, चाहे आपने एग्जेक्टिव में सीट्स ली हैं या नहीं ली हैं, हर एक की समझ से बात है ये बात, तो एक पॉसिबिलिटी जब आएगी तो वो फिर कलेक्टिव ही आएगी। नहीं देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम नहीं भाग रहे और आप भी हमें बिल्कुल इससे मुफर नहीं दे रहे, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि डे टू डे अफेयर्स में फैसला साजी में हम शामिल नहीं है। ओके, फैसला तो गवर्नमेंट कर रही है। अगर कोई चीज बजट, अगर कोई चीज पार्लियामान में कानून साजी की सूरत में जाती है, अप्रूवल के लिए जाती है, तो उसके लिए यकीनन हम मशावरत में आएंगे, हमें पता चलेगा। बाकी हुकूमत जो फैसले करती है, काबीना जो फैसले करती है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स करती है, बजटरी एलोकेशंस करती है, और बहुत सारे काम है, तो वो तो सारे के सारे, और नीचे बैठी कमेटियां हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है, ये बाकी कमेटियां करती हैं, उसमें तो एग्जेक्टिव के वो रोल है, हुकूमत सारे फैसले कर रही होती है, हम उन फैसलों में शामिल तो नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच कमर जमान कायरा साहब, आपने आपने टाइम निकाला।